जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप का ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा होम टैब का। जो पहला ही ग्रुप होता है वो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, और क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर भी होता है। फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो उसके बारे में डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, टुडे वी टॉक अबाउट कट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये शॉर्टकट की। ठीक है, सबसे पहले हम शॉर्टकट की जान लेते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होगा। ठीक है, कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स, कॉपी का होता है कंट्रोल सी और पेस्ट का होता है कंट्रोल वी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो है कट, कॉपी, पेस्ट का आप माउस से भी कर सकते हो, लेकिन ये ये जो शॉर्टकट कीज है ये इसका यूज़ होता है कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, सपोज आपका माउस काम ना कर रहा हो तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एमएस वर्ड में जो भी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, वट एवर वी राइट, कुछ भी हम इसमें लिखेंगे या उसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। सपोज़ देखा ना, क्लिपबोर्ड ग्रुप, अगर हमें इसे चेंज करना हो, सपोज हमें इसे कलर को चेंज करना हो, तो हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे एंड देन चेंज द कलर, कलर चेंज हो गया। ओके, फिर से सेलेक्ट करो, ऑप्शन में जाओ, चेंज द कलर। ठीक है, तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की, ओके, एमएस वर्ड में। ओके, सो वैसे ही अगर हमें कट, कॉपी और पेस्ट का परफॉर्म करना है, एक्शन परफॉर्म करना है कट, कॉपी, पेस्ट का किसी भी टेक्स्ट में, तो हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बारे में, ठीक है, तो टेक्स्ट को, किसी टेक्स्ट को कैसे, कि टेक्स्ट मतलब जैसे ये लाइन लिखी हुई है, टेक्स्ट है, ये सारे क्या है, टेक्स्ट है, ये सब टेक्स्ट ही है। ठीक है ना, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ क्या है, टेक्स्ट है। इसमें तो किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना हो तब तो आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, माउस से ऐसे सेलेक्ट कर दो, माउस को ऐसे, मेरा माउस का कर्सर इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में है, यहाँ पर रखा आपने राइट। ठीक है, माउस का जो माउस है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्सर, जो ब्लिंक करना है इसको बोलते हैं इंसर्शन। ठीक है, ये दिस इज द कर्सर, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये लाइन है ना, ये है कर्सर। ठीक है, आपको माउस का, ठीक है, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना, होल्ड करके रखना और उसे ऐसे ड्रैग कर दो, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, सिलेक्शन के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप उसे चेक कर सकते हो, हाउ टू, मतलब जितने भी पैराग्राफ है या कोई डॉक्यूमेंट है, आपको उसको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे डीसेलेक्ट करना है, इसके बारे में वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो आप उसे चेक कर सकते हो, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कट, कॉपी, पेस्ट की। तो सपोज़ ये टेक्स्ट है, इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर आप यहाँ से कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट को, या हमारा जो टेक्स्ट है इसको हमें कट करना होगा या कॉपी करना होगा, दोनों में से कुछ एक करना है, तो पहले हम इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे या इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा, या कंट्रोल सी करोगे जैसे शॉर्टकट की लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कॉपी, तो टेक्स्ट मेरा कॉपी हो गया। ठीक है, जब टेक्स्ट कॉपी होता है ना, तो ये कॉपी होकर कहाँ जाता है, ठीक है, सवाल ये आता है दिमाग में, कॉपी होकर कहाँ जाता है, तो वो जाता है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में कहाँ दिखेगा हमें, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे तो जैसे मैंने ये कॉपी किया है ना, तो वो कहाँ सेव हो गया, क्लिपबोर्ड में सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको और क्लियर करते हैं, सपोज़ मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, इस पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट किया, मैंने कट किया। ठीक है, तो ये यहाँ से हट गया, लेकिन वो कहाँ पे आ गया, ये क्लिपबोर्ड में आ गया। ठीक है, क्लिपबोर्ड में आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मुझे क्लिक करना है पेस्ट, तो मैं पेस्ट पे करूँगा। ठीक है, तो मेरा डेटा पेस्ट, तो पेस्ट हो गया। ओके, आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल वी, या यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हो, जैसे आप ये जो ये डाउन एरो बनाया ना, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तीन ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन क्लिक करना है, उससे डेटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, राइट, सपोज आपको फिर से कॉपी, सॉरी, फिर से पेस्ट करना है, तो आप इंटर करो, ठीक है, कंट्रोल वी प्रेस करो, कॉपी हो गया। ओके, नाउ कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या करो, अपना डेटा सेव कर लो। ठीक है, सपोज अब यहाँ है ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में जो डेटा सेव हुआ, मैं इसे क्लियर ऑल कर देता हूँ, क्या अब मेरा डेटा कंट्रोल वी होगा, कंट्रोल वी करेंगे, अब नहीं होगा। ठीक है, अभी ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये डेटा है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, सॉरी सेलेक्ट किया, और मैंने इसको कट कर दिया, अब मैंने कंट्रोल वी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से जो क्लिपबोर्ड, ठीक है, कट और कॉपी करने के बाद हमारा डेटा कहाँ पर आता है, क्लिपबोर्ड में आता है, तो मैंने कॉपी किया है,
सॉरी मैंने कट किया, कट करने के बाद मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है, एक क्लिपबोर्ड में आ गया है। अब मैं पेस्ट करने से पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, तो क्या मेरा डेटा पेस्ट होगा? ठीक, कंट्रोल वी, तो डेटा जो है पेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लिपबोर्ड से रिमूव करने से पहले आपको अपना एक्शन परफॉर्म कर देना है। सपोज़ आपने डेटा सेक किया ये, ठीक है, कॉपी किया, तो कॉपी करने पर क्लिपबोर्ड में आएगा। ठीक है, अब आपको पेस्ट करना है, देन प्रेस कंट्रोल वी, तो आप कंट्रोल वी करोगे तो आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अब यहाँ से रिमूव कर दिया, अब दोबारा कंट्रोल वी करोगे तो नहीं होगा डेटा। ओके, तो फ्रेंड्स, ठीक है, आज हमने बात की है क्या क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट की। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेस्ट ऑप्शन की। ठीक है, ये जो पेस्ट ऑप्शन है ना, सपोज, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, हाईलाइट करना पड़ता है, हाईलाइट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करोगे तो जितने भी ये पेस्ट ऑप्शन है, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज जितनी भी चीज़ें मैंने बात की है, ठीक है, क्लिपबोर्ड के बारे में, आपको उसे रिपीट करना है एक एक चीज़। ठीक है, ये सारा डेटा आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हो और चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। ओके, तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।